चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों वाली गर्म हवाओं से परिंदों को बचाने के उद्देश्य से जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ अभियान का आगाज राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने भूतनाथ पार्क में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी की अध्यक्ष विमला गट्टानी ने की, जबकि वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर संजय व्यास विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते परिवार द्वारा हर वर्ष परिंदों के लिए परिंदों को लगाने का कार्य किया जाता है, मगर इस बार अभियान के तौर पर इस कार्य को हाथ में लिया गया है, जिसके चलते सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ अभियान का भूतनाथ पार्क से आगाज किया गया है, जहां सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने परिंदों के लिए परिंदे लगाने का सामूहिक दायित्व निभाया। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने इस तरह के पूरे कार्य करने के लिए सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी को साधुवाद दिया और कहा कि सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी से अलग अलग समाज से लेकर अलग अलग प्रोफेशन के 100 तरह के पदाधिकारी और सदस्य जुड़े हुए हैं, लिहाजा उन सभी के रहवसीय और कार्य क्षेत्रों में आने वाले पार्कों में परिंदे लगाने का कार्य अभियान के तौर पर पूरा किया जाएगा। यह भी सराहनीय कार्य है। जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों के 100 पार्कों में जब यह अभियान चलेगा तो हजारों बेजुबान पक्षियों की सेवा का कार्य सही मायने में हो सकेगा। उधर इस अभियान के आगाज के साथ साथ सत्यमेव जयते परिवार से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ते हुए ट्रैक ऑन ड्रीम्स के संस्थापक शैलेश भूरानी और उनकी टीम के सहयोग से भूतनाथ की पहाड़ियों में ट्रैकिंग, योग वे जुम्बा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पक्षियों का, पशु इनके पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का काम मैं आज कह रहा हूँ, ये आप भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। इसलिए सेवा कर रहे हैं कि भगवान राम ने इंसान पर विश्वास किया ही नहीं। आप अगर पूरी रामचरितमानस पढ़े तो भगवान राम ने इंसान पर विश्वास किया ही नहीं। उन्होंने हर काम जो था वो इन पशु पक्षियों को, गरुड़ थे उनके यहाँ पे, जामवंत थे उनके यहाँ पे, हनुमान जी थे वो उड़ के गए पवन सुत अपने भाई को बचाने के लिए, संजीव लेने वो गए, उन्होंने कभी उसका कारण था मंत्रा थी, कुछ लोग जो इंसान रूप में थे उन्होंने उनको परेशान किया, इसलिए वो इंसान के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास सिर्फ किया उन्होंने तो अबोल जिनावर जिनको कहते हैं मारवाड़ी में, उनके ऊपर विश्वास किया और उनकी सेवा करने का काम सत्यमेव जयते सोसाइटी ने उठाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ विमला गट्टानी जी को।